सब आईटीसी पे एक डिस्कशन इस समय बन रहा है। एक तो पिछले साल जब बाजार करेक्टिव फेज में रहा, अकेला स्टॉक ये चलता रहा, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 180 वाला 380, लेकिन ये 395 के करीब कहीं जाके टॉप आउट हुआ। अब 380-385 मिल रहा है, शायद करेक्टिव फेज में थोड़ा और मिले नीचे। ये री एंट्री के लिए कौन से लेवल्स पे सौरभ आप इसे गाइड करेंगे, क्योंकि ये एक शानदार ऐसा स्टॉक है जिसमें पोजिशन लेके आप होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे चलता है, बहुत बड़े वायलेंट मूव्स आते नहीं है इसमें, और पोजिशनल ट्रेड के लिए बड़ा सूटेबल रहा है पिछले एक साल में। 450 के अब टारगेट आते जा रहे हैं। आप बताएं कि क्या ये 380-75-70 पे मिले तो दोबारा एक नेक्स्ट लेग के लिए लेना चाहिए? इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट आउटकम स्टॉक के करंट मार्केट सिनेरियो में, एंड स्टॉक ऑलमोस्ट इतनी गिरावट के बाद भी अपने मोस्ट 52 वीक हाईस के आसपास ही चल रहा है। स्टॉक में जो सपोर्ट बन के आ रहा है 370 से 375 के आसपास आ रहा है। आई थिंक कोई भी गिरावट आए तो एक 370 के स्टॉप लॉस से खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है, करंट लेवल्स में भी खरीदारी की जा सकती है। एंड मेरा मानना है स्टॉक में एक बार जो 395 का जोन है अगर वो ब्रेक होता है तो 420 से 430 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। ओवरऑल आउटलुक काफी पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है ये वन ऑफ द आउटपरफॉर्मर्स रह सकता है फॉर दिस ईयर।